महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बायोसाइंसेस कंपनी घोड़ों की एंटीबॉडी से बनाई गई कोरोना वायरस की एक नई दवा का परीक्षण कर रही है। अगर यह दवा सभी परीक्षणों में सफल होती है तो यह कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में अहम भूमिका निभाएगी। यह इस तरह की भारत की पहली स्वदेशी दवा होगी जिसका इस्तेमाल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती परीक्षणों में दवा की वजह से 72 से 90 घंटों के अंदर ही संक्रमितों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। दवा का फिलहाल ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और इसका पहला चरण प्रोसेस में है जिसके इस महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। आपको बता दें कि आइसेरा बायोलॉजिकल सिर्फ 4 साल पुरानी कंपनी है और अभी तक एंटी सीरम प्रोडक्ट यानी सांप काटने, कुत्ते के काटने और डिप्थीरिया के इलाज में कारगर दवाएं बनाती है। हालांकि कंपनी को इस काम में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से भी मदद मिलती रही है। इस बीच कंपनी ने कोविड एंटीबॉडीज़ का एक कारगर कॉकटेल तैयार किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।